everyone, welcome to Odisha classes. I'm Sangeeta as your English trainer. आम प्रिवियस क्लास कौन डिस्कस करूँ ना स्टपिंग बाय ओड्स ऑन ए स्नो इवनिंग रो समरी जो गुड़ाक आम स्टांजा वाइज आपन को समस्त को जनईलु एबे आम कौन करवा ना एबे आम तर क्वेश्चन आंसर उपर डिस्कशन करवा एबे आम डिस्कशन करवा क्वेश्चन नंबर वन कौन अच्छी हाउ इज वुड डिफरेंट फ्रॉम फॉरेस्ट वुडटा फॉरेस्ट ठारू केमती डिफरेंट तो आंसर हूँ कौन ना वुड्स रिफर्स टू ए लैंड कवर्ड विथ ट्रीज बट स्मॉलर देन फॉरेस्ट वुड क्या रिफर करे ना गोटे भूमि जोटा कि गच्छ द्वारा किसी गोटे गच्छ द्वारा आच्छादित होता है किंतु कौन ना जंगल ठारू छोटिया से जिनसटा को कौन कह जाए वुड सेमती का क्वेश्चन नंबर टू कौन अच्छी हयर डज द राइडर स्टॉप राइडर कौटी ठिया हो गले बट किसी समय पर ठिया होते जोटा मुझे समरी में पढ़े थी से कौटी ठिया हेले तो आंसर हूँ कौन द राइडर स्टॉप्स बाय सम वुड्स से जो छोटो जंगल गोटे थिला सेठी राइडर रही थिले क्वेश्चन नंबर थ्री कौन ना व्हाई डज ही स्टॉप से कौन पाई रही गले सेठी जो से किसी टाइम पाई रही ले से कौन पाई रही ले तो आंसर हूँ कौन ना द सीनिक ब्यूटी ऑफ द वुड्स फैसिनेट्स हिम टू स्टॉप बाय द वुड्स से कौन पाई रही ले ना से जो जंगल रो जो सौंदर्य प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर से जंगलटा कौन करा ना इंटरेस्ट मानने अट्राक्ट करा है फैसिनेट करा अट्राक्ट करा आकृष्ट करा जो कि से कौन कले ना जंगल रे किसी समय पर छिड़ा हो गले ठीक अच्छे तापर आम जी नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4 एबे आम स्टार्ट करवा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कौन अच्छी ना ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर व्हाट डज द एक्सप्रेशन मीन ए जो से मते देखि पारिबोनी एठी ठिया हेथिबारो मते से देखि पारिबोनी ए एक्सप्रेशन रो माने कौन आंसर होची कौन द एक्सप्रेशन ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर मीन्स द ओनर ऑफ द वुड्स लिव्स इन द विलेज विल नॉट सी द पॉइंट स्टॉपिंग बाय द वुड्स कौन ना ए जो ऑनर जो जंगल रो ऑनर अच्छा से कौन करा पॉइंट जिते ठिया होती से भावुं कौन जे जंगल रो ऑनर जी तर घर ये पाख गाँव में जा जी कि ये ठिया होती देखिपारे ना ठीक अच्छे तापर कौन ना 5 नंबर क्वेश्चन में कौन अच्छे देखा 5 नंबर क्वेश्चन में अच्छे व्हाई डज द हॉर्स हार्नेस बेल्स एसे घोड़ाटा जो पॉइंट को सहित थिला पॉइंट ताकु नेकि यात्रा करथिले सी कोन करछि ना मु पढ़ी जमी समराइज समरी रे सी तर कौन घंटीटा को बजाई कि बारंबार सूचित करुच्छे पॉइंट को कौन पाई सूचित करुच्छे देखिबा आंसर अच्छे कौन द हॉर्स फाइंड्स इट स्ट्रेंज व्हेन द पॉइंट हैज स्टॉप्ड बाय द वुड्स हैविंग नो फार्म हाउस नियर बाय दैट्स व्हाई द हॉर्स गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक एज इफ टू आस्क हिज मास्टर हैज स्टॉप देयर बाय मिस्टेक जिते बड़े पॉइंट कौन कर ना ठिया हो जाए किसी समय पर प्राकृतिक सौंदर्य को उपभोग करते घोड़ाटा जेहेतु घोड़ा गोटे जीव तार कौन से फिलिंग ना टुवर्ड्स नेचर है से कौन करा जिते ठिया हो प्रकृति को उपभोग करते जो घोड़ाटा अच्छी सी भाभी बोधे तार जो मानने मालिक अच्छा से बोधे भूल ढड़ा होती तो से कौन कर मालिक को सूचे देवाई कौन सी क्षमार गृह ये ना विश्राम गृह जेहेतु ना विश्राम करने से भाभी बोधे से भूल वशत ये रही जाइंस से कौन कर तार जो घंटीटा अच्छी से घंटीटा को बजाई से मालिक को सूचे दौर जे आम एवं आग को जीवा ठीक अच्छे एटा तुम मैंने चाहिए सब लेखिपार आराम से पॉज करके नोट्स तो आराम से प्रिपेयर हो अच्छे विथ क्वेश्चन आंसर भी अवेलेबल रोचे तो जन जब चाहिए पॉज करके धीरे धीरे लेखिपार ठीक अच्छे एवं आम जा क्वेश्चन नंबर 6 को क्वेश्चन नंबर 6 कौन अच्छे व्हाट इज द ओनली अदर साउंड बिसाइड्स दैट हार्नेस बेल्स यार माने कौन ना जो अलग साउंड हार्नेस बेल को छाड़ी ये जो घोड़ाटा जो थिला घोड़ार ये रे जो घंटीटा बंधा ही थिला से घंटीटार साउंड को छाड़ी आउ को साउंड थिला जोटा कि पॉइंट से पॉइंट रे लिखिछन्ति आंसर कौन हो ना द ओनली अदर साउंड बिसाइड्स दैट द हार्नेस बेल्स इज स्वीप अप विंड एंड डाउनी फ्लेक्स स्वीप अप विंड आउ डाउनी फ्लेक्स माने कौन ना से जो घंटी शब्द व्यतीत जो शब्द गुड़ाक शुणा जाऊला पॉइंट को सेटा कौन थिला ना स्वीप अप विंड माने कौन ना जो मृदु पवन बहे नी सुलसुलिया पवन जोटा को कहते सेटा होची स्वीप अप विंड एंड डाउनी फ्लेक्स माने कौन जो तुषारपात हुए छोट छोट तुषार जिते देहरे पड़े से बहुत थंडा थंडा टाइप्र लगे ना तो से जिनसटा को कहा कौन ना डाउनी फ्लेक्स ठीक अच्छे
तापर जीबा क्वेश्चन नंबर 7 को 7 रे कोन अछि ना व्हाई डज द पोएट यूज द एक्सप्रेशंस डार्क डीप डार्केस्ट पोएट कोन पाई ए जो एक्सप्रेशन गुडा को जेमति कि डार्क डीप आउ डार्केस्ट को ए पोएम रे यूज करि चंति कोन पाई यूज करि चंति ना द पोएट यूजेस द एक्सप्रेशंस डार्क डीप एंड डार्केस्ट टू एक्सप्रेस हिज इंटरेक्शन विद द ब्यूटी ऑफ नेचर ब्यूटी ऑफ नेचर माने कौन ना प्रकृतिर जो सौंदर्य को वर्णना करने प्रकृतिर सौंदर्य सहित केमती का मानने भेट व मिलन जो जिनसटा है जिनसटा को एक्सप्रेस करने से कौन कर ना ये किसी गुड़ाक वर्ड से यूज कर पोएम्रे जमती का से गुड़ा कौन ना डार्क डीप आउ डार्केस्ट ठीक अच्छे देन तपे 8 को जी क्वेश्चन नंबर 8 रे कौन अच्छी ना हाउ डू द स्पीकर द ओनर ऑफ द वुड्स एंड द हॉर्स रिएक्ट टू द ब्यूटीज ऑफ नेचर प्रकृतिर सौंदर्य प्रति कहार केमिति केमिति रिएक्शन अच्छी सेटा आमे देखिबा कहार रिएक्शन फर्स्ट देखिबा ना हाउ डू द स्पीकर स्पीकर माने जे कहि चंती बा जो पोएट ठीक अछि जे लेखि चंती सी आउ कौन ना द ओनर ऑफ द वुड्स ओनर ऑफ द वुड्स माने जो जंगल रो जो मालिक तांकर नेचर प्रति केमतिका माने अच्छी तांकर मनोभाव सेटा तापर आउ कौन ना द हॉर्स से जो घोड़ाटा पॉइंट को सहित थिला तारो केमतिका अछि पॉइंट नेचर प्रति दृष्टिभंगी तो द हॉर्स प्रेजेंट्स द थिंकिंग दैट सेफ्टी इज मोर इंपोर्टेंट देन ब्यूटी हॉर्स प्रेजेंट्स कौन हॉर्स कौन प्रेजेंट करुच्ची तार केमती दृष्टिभंगी अच्छी नेचर प्रति जो प्रकृति प्रति ना मैंने से भावुची कौन कि ये न रहीकि बर आग को जाइए जो कौन से विश्राम गृह था जो विश्राम नहीं पारि था मालिक आउ से तेणु से प्रकृतिर सौंदर्य को ये प्राधान्य तो दौनी जेहेतु से गोटे जीव तार कौन से फिलिंग एत स्ट्रंग ना तेणु से कौन करुच्ची ना तार नजरिया कौन अच्छी नेचर प्रति ना से भावुची जे कौन से गोटे सेफ जगह को जदि आम जाए बेटर होता कौन ना द ऑनर इज ए प्रैक्टिकल मैन फॉर हिम वुड इज ओनली ए प्रॉपर्टी ओनर जो अच्छा वुड्र जंगल जो मालिक अच्छा कौन ना से बहुत प्रैक्टिकल मनीष प्रैक्टिकली जमी से देखुं जंगल हूँ ओनली गोटे प्रॉपर्टी आउ या अधिका कि नुह तापर कौन ना स्पीकर हैज द सेंसेशनल फीलिंग टुवर्ड्स द नेचर स्पीकर जी कि लिखी पोएमटा पोएट जी निजे से कौन तांकर जो सेंसेशनल फीलिंग माने कौन गोटे क्विक इमोशनल रिएक्शन जो क्विक इमोशनल रिएक्शन जितने आम खुशी हो सेते कौन करू ना हटात किना खुशी हो छोट पे भावती आम खुशी हेले केमती किए कौन भाव कि किए कौन ये करिबो कि रागिले किए आम प्रति केमती रिएक्शन देव सेटा से माने भावती जो क्विक इमोशनल रिएक्शनटा से भितर स्वतप्रभुत भाव बाहर था ठीक अच्छे से तांकर जो नेचर प्रति दृष्टिभंगी अच्छी सेटा से पूरा माने संगे संगे ही व्यक्त कर जो कि ठिया होकर जो माने नेचर प्रति जो भल पाइबाटा को से व्यक्त करवा क्वेश्चन नंबर 9 को 9 रे कौन अच्छी ना व्हाट पिक्चर ऑफ नेचुरल ब्यूटी डू यू गेट फ्रॉम द पोएम यही पोएम रु माने नेचुरल ब्यूटी जो प्राकृतिक सौंदर्य को पिक्चर बा को माने कौन चित्र है आम पाच देखा पाच एनसर कौन ना द पोएम प्रेजेंट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर डार्क डीप वुड्स स्लीपिंग विंड एंड डाउनी फ्लेक्स प्रूफ्स दिस फैक्ट यही जो फैक्ट गुड़ाक कौन प्रूफ करुच्ची ना आम पोएम रे कौन कौन सब देखा पाच ना डार्क एंड डीप वुड्स माने कौन घंच जंगल बा अरण्य जो थे गच्छ गुड़ाक अच्छी आउ कौन ना स्वीपिंग विंड माने कौन जो धीरे धीरे जो मृदु पवन गोटे बहे ताकू कहते स्वीपिंग विंड आउ कौन एंड डाउनी फ्लेक्स प्रूफ दिस फैक्ट को ये फैक्ट को प्रूफ करने भाया कौन सब जिनस अच्छी ना डार्क एंड डीप वुड्स स्वीपिंग विंड एंड डाउनी फ्लेक्स माने कौन ना जो छोट छोट तुषारपात गुड़ाक तुषार बुंदा गुड़ाक देह उपर पड़े से गुड़ाक कौन कहते ना डाउनी फ्लेक्स सेमती क्वेश्चन नंबर 10 रे कौन अच्छी इन द फाइनल स्टांजा द स्पीकर सेज दैट ही इज नॉट येट रेडी टू स्लीप फाइनल स्टांजा रे स्पीकर बा पोएट जेतेबेले कहिजंती जे मु एबे सोइबा को रेडी नुह बा विश्राम करबा को रेडी नुह व्हाट हैज ही टू डू बिफोर ही कैन टेक रेस्ट से रेस्ट करबा आगरु कौन सब करबा को जाउचंती बा कौन सब करबा तांकर इच्छा अछि बा माने तांको माइंड रे कौन से चिंता करिचंती ताले आंसर देखिबा कौन द पोएट हैज टू अटेंड हिज रूटीन ड्यूटीज टू डू बिफोर
ହି କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ରେଷ୍ଟ। ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଆଗରୁ ବା ଥକିକି ଯେଉଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଆଗରୁ ସେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ରୁଟିନ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଆଗକୁ ଯିବା ସହିତ ମୋତେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସଟା ସେ ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ରେଷ୍ଟ ନେବା ଆଗରୁ ସେ ସେହିସବୁକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ଇଭିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ସଜେଷ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ଇଭିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ନା, ଡଜ୍ ଇଟ୍ ମିନ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଇୟର୍ ଅର୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଡିପ୍ରେସିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ପଏଟ୍ଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଡିପ୍ରେସିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଡିପ୍ରେସନ୍ ମୋଡ଼୍ଟା ସେଇଟାକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଇୟର୍ର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ବି ହିସାବରେ ତାକୁ ସେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ଇଭିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ମିନ୍ସ ଦ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍। ଡାର୍କେଷ୍ଟ ଇଭିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ମାନେ କ'ଣ, ସେ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ବା ଘନ ରାତ୍ରି ଯେଉଁଟା ସେଇଟାକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଠି କ'ଣ ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡାର୍କେଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ବିକଜ୍ ହି ହ୍ୟାଜ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ୱେ ଟୁ ଗୋ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଏଇଠି ରହିଯିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦ ଉଡ୍ସ ଫିଲିଂ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ନୋ ସିମ୍ସ ଟୁ ହିମ୍ ଟୁ ବି ଏ ରିପିଲ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନୋରେ ଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟଟା ଜଙ୍ଗଲଟା ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା, ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଅବଚେତନା ବା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଏଇସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ସବୁ କରିବାର ଅଛି, ସେଇ ଡ୍ୟୁଟି ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେମିତିକା ଭୁଲେଇ ଦେଉଛି ବା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ଦ ଉଡ୍ସ ଫିଲିଂ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ନୋ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟଟା ପୁରା ତୁଷାରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଛି, ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ନା, ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଗୁଡ଼ାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ତାପରେ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12 କ'ଣ ଅଛି ନା, ଏ ଫୋର୍ ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏ କ୍ୱାଟ୍ରେନ୍। ହାଉ ମେନି କ୍ୱାଟ୍ରେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍? କ୍ୱାଟ୍ରେନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଫୋର୍ ଲାଇନ୍ ଭର୍ସ ବା ଚାରିଟା ଯେଉଁଟା ମାନେ ପଦ ସବୁ ଥାଏ ନା, ଚାରିଟା ପଦକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, କ୍ୱାଟ୍ରେନ୍ ହୁଏ। କ୍ୱାଟ୍ରେନ୍ରେ କେମିତି କେତେଟା ଲାଇନ୍ ଥାଏ ନା, ଚାରିଟା ଲାଇନ୍ ଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଏମ୍ରେ କେତେଟା ଲାଇନ୍ ଅଛି, 16 ଲାଇନ୍ସ। ତା'ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଠି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଦେୟାର୍ ଆର୍ ଫୋର୍ କ୍ୱାଟ୍ରେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍। ଏଇ ପୋଏମ୍ରେ ତାହେଲେ କେତେଟା କ୍ୱାଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ନା, ଚାରିଟା କ୍ୱାଟ୍ରେନ୍ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ଜମ୍ବଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆରେଞ୍ଜ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଲଜିକାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଟୁ ନ୍ୟାରେଟ୍ ଦ ଥିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଏମ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଥିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଏମ୍କୁ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ କେମିତି ଆମେ ମାନେ ସଜେଇକି ଲେଖିବା ହେଲା, ତ ସେ ଯେଉଁ ସଜେଇକି ଲେଖିବା, ତ ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଛଅଟା ଦେଇଛି ଟୋଟାଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍, ତ ଆମେ ତାକୁ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ସଜେଇକି ରଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ନା, ଇଟ୍ସ ଏନ୍ ଇଭିନିଂ ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟର୍। ତ ଏଫ୍ଟା ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଏଫ୍ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଅଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇଭିନିଂ ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟର୍, ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେବ। ଦେନ୍ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଡିଟା ହେବ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ନୋଇଂ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱିଣ୍ଡ ବ୍ଲୋସ୍ ଜେଣ୍ଟଲି। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁ ପବନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋହୁଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ନା, ଚାରିଆଡ଼େ ତୁଷାରପାତ ବା ତୁଷାରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି, ଦ ପଏଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଡ଼ିଂ ହିଜ୍ ହର୍ସ ଟୁ ଏ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍। ବିଟା ହେବ ଥାର୍ଡ଼, ଦ ପଏଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଡ଼ିଂ ହିଜ୍ ହର୍ସ ଟୁ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ମାନେ, ପଏଟ୍ ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ରାଇଡ଼ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଛି, ହି ପାସେସ୍ ବାଇ ଦ ଉଡ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ଲଭ୍ଲି ଡାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘୋଡ଼ାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ହି ପାସେସ୍ ବାଇ ଦ ଉଡ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ଲଭ୍ଲି ଡାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍। ତ ଫୋର୍ଥଟା କେଉଁଟା ହେବ ନା, ଏ ହେବ। ତାପରେ ଫିଫ୍ଥଟା ହେବ, ଦ ବ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଦ ଉଡ୍ସ ଟେମ୍ ସିମ୍ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ ଦ ସାଇଟ୍। ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁଟି ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲର ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା, ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି, ପଏଟ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ସେଇ ସାଇଟ୍ଟାକୁ ବା ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟଟା ହେବ, ବଟ୍ ହି ରିମେମ୍ବର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହେଜ୍ ପ୍ରମିସେସ୍ ଟୁ କିପ୍ ବିଫୋର୍ ହି କ୍ୟାନ୍ ରେଷ୍ଟ। ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଇଏଟା ସେଇଟା ହେବ ସି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବଟ୍ ହି ରିମେମ୍ବର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହେଜ୍ ପ୍ରମିସେସ୍ ଟୁ କିପ୍। ସେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ମୁଁ କିଛି ପ୍ରମିସ୍ କରିଛି ଯେଉଁଟାକୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ବା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋର ବିଶ୍ରାମ, ମୁଁ ନିଜ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଆଗରୁ।